बड़ी खबरों की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आपने दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम किए जारी। नीतीश कुमार पर भड़के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, कहा बीजेपी ज्वाइन करूंगा, नीतीश कुमार 7 जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेसी सिंह के समर्थन में नीतीश कुमार बोले, बीमा भारती ने गलत बात कही। आरटीआई में आज सामने 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पर केंद्र सरकार ने 36 घंटे में 38 लाख रुपए किए थे खर्च। केंद्र सरकार ने देश की छवि बिगाड़ने वाले 8 यूट्यूब चैनल को किया ब्लॉक। अजय कुमार मिश्रा के खिलाफ लखीमपुर में संयुक्त किसान मोर्चा का धरना। बिहार में ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव की तबीयत हुई खराब, सांस लेने में हो रही है दिक्कत। सूरत में मोबाइल के इस्तेमाल पर हुआ विवाद, रिटायर्ड फौजी के बेटे को मारी गोली। मुख्तार अंसारी के दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर समेत कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। हैदराबाद में बीजेपी नेता लड्डू यादव पर बिना अनुमति रैली निकालने, आपत्तिजनक बयान देने का केस। दिल्ली में कोरोना वायरस से केवल अगस्त महीने में 87 लोगों की गई जान। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन के खिलाफ दर्ज होगा रेप का मामला, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश। एनआईए ने टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में जम्मू, कठुआ और साबा में की छापेमारी। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने लालू यादव से कल शाम की थी मुलाकात। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में गांव वालों ने देखा ड्रोन, मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों के जवान। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे कमजोर हुआ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।